संविधान भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो महात्मा गांधी कौन कौन शामिल थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी और अबुल कलाम आज़ाद। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारतीय स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, जीवी मालवनकर। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, सर बी एन राव। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो सर बी एन राव। भारतीय संविधान अपनाया गया था, भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, वल्लभ पटेल, वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, तो 19, इसमें से कोई नहीं, ये गलत है। हमारा राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया था। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था, जयप्रकाश नारायण ने। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था, तो जयप्रकाश नारायण ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया, 1946 में। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है, तो केंद्रीय सरकार में। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, प्रतिनिधियों का। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है, अमेरिका। संविधान के उद्घाटनों के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो बी आर अम्बेडकर को। भारतीय संविधान डैश को अस्तित्व में लाया गया था, तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। भारत के लोकतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी, भारत के लोकतंत्रीय दल की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी। सॉरी, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी, तो भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपने सुविधानुसार करता है, तो केटी शाह के द्वारा कहा गया था। भारत में कैबिनेट मिशन किस के लिए भेजा गया था, तो शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, तो कैबिनेट मिशन की। भारत के संविधान सभा का गठन डैश के द्वारा किया गया था, तो विधानसभा के द्वारा। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था, तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। प्रथम केंद्रीय संविधान सभा
प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1920 में, कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या का अर्थ है? राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो ये नहीं पता। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्ररूपण समिति के सदस्य नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? M.N. Roy। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो 1935 में। धन्यवाद। PDF लिंक में मिल जाएगा।